तो भाई तुम देख सको किस तरह से फाइनेंस कंपनियों के शिकंजे में एक परिवार फंस गया और पीड़ित परिवार जो कि फिलहाल इतनी ठिठुरती ठंड सर्दियां की शुरुआत और फाइनेंस कंपनी ने घर के ऊपर ताला ला दिया, एक पूरा का पूरा हंसदा खेलता परिवार जो है वो बेघर कर दिया और वो बेघर कराया जो परिवार है वो न्याय की मांग खातर घर के बाहर ने बिठा दिया। और तुम देख सको किस तरह से फाइनेंस कंपनी ने गफलत में रखा पीड़ित परिवार का। साफ तौर पर कहना है अभी मारे गला गड़बड़ करी गई है, बताया कुछ गया है, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिखाई गई है, लोन की अमाउंट बताई गई वह थोड़ी बताई गई घनी और दई थोड़ी, तो पीड़ित परिवार के गले ठीक हो काम हो गया। बोले बोला कुंबा डूबिया क्यों और पानी तक नुकानू, ढाई तीन लाख रुपए भर भी लिए इन्हें और उसके बावजूद भी फाइनेंस कंपनी ने तुम देख सको किस तरह से नोटिस चिपका दिया और घर को चारों तरफ से सील कर दिया है। ये तस्वीर तुम देखने लग रहे हो, जिला जींद हल्का जुलाना और गांव गोविंदपुरा, पीड़ित परिवार यानी कि राजेंद्र जोगी परिवार के मुखिया हैं, फिलहाल घर तक बाहर बैठे हैं, कोई ठिकाना नहीं है इनके पास, बस बताने के लिए कुछ शब्द हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वह भी मकान के भीतर हैं। तो राजेंद्र भाई के तो बताया गया था फाइनेंस कंपनी के द्वारा तेरे को किस तरह की चीजें बताई गई थी और कद यू लोन लिया था? जी मैंने मेरे दो राय थे 2018 में, एक तो अनिल एजेंट था और एक जोगिंदर डोले का, तो ये मेरे द्वारा दुकान पाए थे उस टाइम मेरा काम मतलब ठीक था, तो नु बोले तने 10 लाख रुपया का लोन दुआ देंगे, अब प्रॉपर्टी के कागज दे दिए तेरे, तो मैंने इसे सारे कागज दे दिए, अवेलेबल करवा दिए, सारे काम हो गए, तो इनने क्या किया मतलब कोर्ट में साइन होया के बाद सारे काम होया, पाछे मेरे द्वारा चेक लेने गया मैं, तो इनने मेरे 4/22 के चेक दिए, अब 4,22,000 का तेरा लोन है, इनने पहले कुछ नहीं बताया मैं, तब तेरा 10 का होगा कि उसका होगा, मतलब पहले 10 का कहे गए वर्बली तो बताए गए भाई 10 लाख का लोन होगा। देखो भाई जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं गेला गेला वीडियो ना जिला के शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक या बहुत सारी फाइनेंस कंपनी तारा गेले भी इस तरह का लूट का कारोबार कर सका है। जिस शिकंजा में राजेंद्र आ गया कुछ इसे डाल के शिकंजा में तुम भी फंस सको हो, उसका जब बचना है तो इस वीडियो ने जिला का ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो और राजेंद्र भाई की बात ने ध्यान से सुनो, अगर इसके गले किस डाल की ठगी हुई है, एजेंट ने किस तरह से गुमराह कराया है, 10 लाख का लोन बताया गया 4,22,000 का लोन का जी, मेरे पास सारे साइन करवा लिए, कोर्ट में सारे काम हो गए, उसके बाद उन्होंने बताया अभी तेरा 4/22 का अप्रूवल है, उसमें 22,000 रुपये तेरे बीमा कट गए, तो 4 लाख बीमा के पहले काट लिए। अच्छा आप और कौन थे इसमें, आप और आपकी? अच्छा आप दोनों ने मिलकर लोन ले रखा है? हाँ जी, तो ब्याज भी कोई नहीं बताया जी, ब्याज 7.5% का बताया था, 17% ने ब्याज लगाया। अच्छा 7 बताया कर 17 और ये हो गया इनके जीवन का गला खतरा, यानी कि 7% का बताया गया लोन भाई उसमें जो ब्याज लगेगा, ब्याज की जो दर है, और फिर वो 17% उसी टाइम तो शुरू कर दिया, बाद में लागू करी सकते जी, उसी टाइम तो शुरू कर दी, मेरे दर तो रुपये बाद में आई है, पहले किस्त काट ली। अच्छा। तो 4/22 का मैंने जी, मैं जी 4/22 में मेरा काम चला, मैं वापिस भर दूंगा, तो इन्होंने बोले ना बोले तेरा तो बोले 5 साल का तो बोले कट्ठा ब्याज लग गया जी, इन्हें पहले बोले था अभी रिड्यूसिंग ब्याज लगा, तो इन्हें सारा फ्लैट ब्याज लगा दिया, बोले 5 साल तो तेने ब्याज भरना है, तो मैं सारा भर दूंगा, फिर एक बीच में था बोला तू कर 2-4 किस्त भरदा रहो, तेरा बोलिया मूल कट जाएगा। किस्त की भी मेरे जो जानकारी आई थी, देखो लोन मिला को नहीं और किस्त कटनी शुरू। हाँ जी किस्त पहले कट लीजिए, मेरे पहले चेक बाउंस हो लिया, खत्म पीछे देखो नहीं, इनने बताया नहीं यार चेक लगा दिया, मेरा पहले चेक बाउंस हो गया, यानी कि लोन मिलन तक पहले लेन की पड़गी, पहले देन तक पहले लेन की पड़गी। अच्छा फिर बोले तू किस्त भरदा रहो, तेरा घट जाएगा मूल, और फिर बोले तू कट्टे भर दिए, वो 2-2.5 लाख रुपया था, 2.5 लाख तो ऊपर के मैंने भर दिए, मैं इकट्ठे करूंगा, फिर बोले ना भाई बोले तो ब्याज ब्याज भी कोई नहीं, मूल तो मेरा नुकान खड़ा है, फिर वो डू फिर कोरोना लगा कि मैं बीमार हो गया था बीच में, वो सारा सिस्टम खराब हो गया, ड्यू जोड़ जोड़ के भाई इसने भर भी नहीं, देखो तो अमाउंट का जो हिसाब लाओगे तो ये फिलहाल जो इन्हें पेंडिंग अमाउंट दिखा रखी है 5,82,383 रुपये, और जिसमें जो भरी गई अमाउंट है राजेंद्र भाई इसमें कितने भर लिए 2.5 लाख तो ऊपर पे मैंने भर लिए जी, 2.5 लाख तो ऊपर इसमें भर भी लिए, और ये लगभग 6.5 तक फालतू हो गए, 6 और 2 8 8.5 लगभग 9 लाख का मामला बना दिया भाई, और दिया गया था कितना
4/22 का दिया था जी। 4,22,000। हाँ जी, उसमें इनने खुद कमीशन भी लिया जी, मेरे से कम से कम 1.5 लाख रुपया ये कमीशन भी खाएगा जी मेरे। अच्छा, उसमें कमीशन वो लगता रह गया। ले भाई एक और खेला खेला गया कि लोन देने के नाम पे 1.5 लाख रुपया की वाचपत लगी जी। मेरे नु था 10 लाख मिल जाएंगे, मैं अपना कारोबार जोड़ लूंगा, तो उसमें 1.5 लाख तो दे दीजिए, एक आधा छोटा मोटा लोन था वो क्लियर कर दिया मेरे सारे, उसे का मेरा लिए जी। सारे गुल जी लोग। गया जी। और ये देखो भाई, ये मासूम बच्चे, इनकी कॉपी किताब जोड़े बस्ते। बेटे कौन सी क्लास में पढ़े? 11th। 11th में। तू कौन सी क्लास में पढ़े? मैं भी 11th। तो इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसका अंदाजा लाओ तुम। इन बालकों की कॉपी किताब सारे लत्ते कपड़े सब जो है एकदम से इसमें सील कर दिया। तो मान लो सील करने से पहले सारी चीज देखनी चाहिए थी, फाइनेंस कंपनी ने सोचना चाहिए था, तो इसके लिए फिर तो हमने ऐतराज नहीं जताया इसके ऊपर। ऐतराज कराया था शाम 5:30 बजे आए हैं जी सारे, उस टाइम ने मतलब 6 बजे गए थे जिस दिन ने सील कराया, तो उस टाइम की तो जावा जी किसका ऐतराज है, तहसीलदार साहब थे उनसे मैंने कहा अभी माँ जी गलत हो ना, मैं आगे कर दूंगा। बात तो इन्हें बताया, एक अनिल है जो मैनेजर का, रिकवरी मैनेजर जी, उसका कराया दे रहा है, वो बैंक में ये काम करने आए जी मेरे गल। तो कितन कितने इस तरह की अगर व्यक्तिगत खुनस अगर काट दी जाओ है भाई, तो वह बिल्कुल गलत है। और देखो नोटिस देना और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी, हालांकि फाइनेंस कंपनी ने कई सारे प्रोटोकॉल तो फॉलो करे हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि राजेंद्र को लोन देन देने यानी कि जो फाइनेंस का जो अमाउंट दी गई है उस टाइम बताया कुछ और गया था और दिया कुछ और गया है। कई डाल की जो धोखाधड़ी है उसका शिकार न केवल राजेंद्र, आप जी ना केवल राजेंद्र, ना केवल इनकी पत्नी, ना केवल इनकी बेटी, ना केवल इनका बेटा, इनके पूरा का पूरा परिवार जो है वो इसकी चपेट में आ गया। तो जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक बात अपील जरूर करेंगे कि भाई कोई भी इस तरह का लोन, हाउस लोन या कोई फाइनेंस करो तो उस टाइम ध्यान तय, बहुत सजगता की जरूरत है। कई डाल की धोखाधड़ी चल रही है और इसमें के पेच उड़ रहे हैं राजेंद्र। इसमें पेज तो है जी, मैं 2-3 ब्रांच में गया जी, एक सेटलमेंट का मैसेज भी आया था मेरे दौरे में गया, तो मैनेजर एंड टाइम पे तबियत का बना लेकर जी उसने चला गया ब्रांच तक। पेमेंट लेके गया? पेमेंट मैं लेके गया था जी। कितने दिन पहले की बात है ये जी? 2 महीने हुए जी सारे। अच्छा, बता दे। पेमेंट ले गए थे जी, पानीपत पहुंचे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। क्या जने थे? मैं और मेरा भाई का साला है जी, दोनों जने गए थे। तो एंड टाइम पे पानीपत पहुंचने के बाद में मेरे मैनेजर से बात हुई, आने लग रहे हम पेमेंट लेकर आए, ठीक है तुम आ जाओ। तो पहुंचने के बाद में मेरी तबियत खराब होगी और मैं जाना पड़े, आप करो अनिल से बात करो जी, अनिल का सारा करा दे रहा चल रहा जी, आज भी वही आ रहा था जी लेकर। यानी कि भाई कितन कितने बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां इस डाल की टाम अरब है, अब भाई किस तरह जो लोन लेने वाला है उसको शिकंजे में कसा जावे, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रव है, कोई सी इस पर थोड़ी सी भी भूल चुक हो है और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर गिद्ध दृष्टि रखे हैं, तो उसे का शिकार कितने कितने राजेंद्र और उसका परिवार हुआ है। तो प्रशासन तय राजेंद्र भाई की डाल की अपील आप करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करूँ जी, मेरा इंसाफ करा जावा है, मेरे बड़का ने छत मिला जी। हाँ, जो लीगल है मैं वो भरने पहले भी नहीं कराया और मैं भी नहीं कराया, आज भी मैंने बोला तहसीलदार साहब से मैं भरने तैयार हूँ जी, नोटिस 5/82 का लगा रखा जी, और अंदर उन्होंने 7.5 लाख रुपए मांगे जी मेरे से, अब 7.5 लाख रुपया में तेरा निपटारा होगा, उससे कम नहीं होगा। तो एक बात हो रहा है, 4,22,000 का लोन है, उसके ऊपर फिर ड्यू के ऊपर ड्यूज के ऊपर ला कर ये इतनी मोटी अमाउंट बना दी के जो मकान मालिक है या फिर लोन लेने वाला है, जो कर्जदार है, वो कर्जा उतारने के बजाय और कर्ज का बोझ तला दबदर हुआ है और उसकी जान जोखिम में आ जाए, तो ये दुखद तस्वीर है भाई। तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तभी हमारी अपील है, और जो कंपनी है यानी कंपनी के जो फाइनेंस आधार जो फाइनेंस कंपनी है इस तक भी हम अपील करेंगे, अगर इसकी सुनवाई करो मामले की और इसमें पीड़ित परिवार को राहत दे जावे, और जो बिना बताए यानी कि जो गड़बड़ कर रखी है ब्याज में, ब्याज की दरों में गड़बड़ कर रखी है, 7 बताया गया 17 इस डाल की जो कफलत है उसकी पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए, अभी किस डाल की गड़बड़ कर रखी है। हाँ जी, कुछ और कहना चाहूंगा? हाँ जी, मैंने शुरू में लोन लिया, मैंने कहा था मैं 5 साल का लोन चाहिए, मैं 5 साल में भर दूंगा, तो इन 18 साल का लोन कराया जी मेरा। अच्छा। वो खामे खाएगा ब्याज लिया जी, जानबूझ के उसको ड्यूरेशन को लंबा बना दिया ताकि ब्याज ज्यादा लिया जाए, मिल जाएगा जी। हाँ जी, जबकि आपने को तभी मैंने 5 साल का खतर चाहिए, 5 साल खतर चाहिए, मैं 5 साल में भर दूंगा। तो ये देख सको भाई किस तरह से अंधाधुंध दस्तक जी बापा करा हाँ कर्जा लेने खातर, तो उन दस्तक करने से पहले के चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा सजगता की जरूरत है। हाँ जी,
जी उस टाइम में जो लोन लिया था मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू करीबन 20 लाख के करीब लगी थी, और जो 10 लाख तो आराम से मिल जाएगा, तो उसके बाद भी 4-22 का लोन कराया, और 4 लाख में तभी मैंने 2.5 लाख रुपये भर दिए हैं। उसके बाद भी ला लो ये पूरी सील कर दी मेरी 25 लाख की प्रॉपर्टी। आज के टाइम पे मकान की कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए है जी, और 2.5 लाख के करीब ये भर चुका है। आप देख लो, आप 2.5 लाख रुपए के लिए मकान को सील कर गए जी। बताने लग रहे हैं लार टपकन लग जाए इस डाल से, जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लार टपकन लग जाए, वो तो मौका देखे इन्हें में से जो वर्कर हैं, इसके जो बंदे काम करे फाइनेंस कंपनी में, इन्हें में से कोई एक बोली लगाओ वही खरीदे जिसने इसे उसमर हुए जी है, और कुछ नहीं होता। ये लेकर बेचे जागत आ गई इस प्रॉपर्टी ने 20 की बेचेंगे जी, और 2 लाख खातर इसने सील इसको जब्त कर लिया। देख लो आप फाइनेंस कंपनी वाला ना जी व्यापार बना रखे जी, वो अपने बंदो ये अपने बोली लगवाए हैं, ऑनलाइन बोली होने लगी जी, गांव में आके नुकसान नहीं करते अभी, और ऑनलाइन ही इन्हें परचेज कर देते हैं जी, ये व्यापार बना रखे जी इन्होंने। चलो भाई ये दुखद तस्वीर है। हाँ जी, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो ये आधार बैंक नहीं है, ये गरीबों की छत खोसने के लिए एक व्यापार बना रखे जी। हम 3 बार पानीपत में मैं और राजेंद्र पेमेंट लेके इनके पास गए हैं जी। पानीपत में एंट्री करने के बाद भी मैनेजर से बात होती है, और जब इनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो पेट दर्द का बहाना या बीमारी का बहाना लेके वो वहां से चले, कुछ गट्टा लाने और टाइम तो लाने का। हाँ जी, तो दूसरी बात क्या जी, जो ये अनिल है नाम का लड़का जी, उसने सीधी ही यही साफ शब्दों में जवाब दिया जी हमारे को कि बोले तेरा तो सांग के है, बोले मैंने तो बड़े बड़े गोड्डे टकवाए हैं। खून काटने वाली बात होगी भी। और भाई जो पीड़ित परिवार के जो आरोप है इनके बारे में, ये जो फाइनेंस कंपनी है इनकी तरफ से अगर इन्हें लग गए है अगर भाई आरोप झूठे हैं और वह भी अपना पक्ष जो रखना चाहे तो हमारे संपर्क कर सके हैं, और अपनी बात जो है हमारे कैमरे के सामने रख सके हैं। इस 4 लाख के चक्कर में जी इसने 2 दुकानें थी इसके पास, ठैया था जी काम करने का, वो भी सेल कर दी इस मकान का लोन चुकाने के लिए, लेकिन अब इसके पास ना ठैया छोड़ा उन्होंने, ना इन बच्चों के सिर पे छत छोड़ी जी, ये बेचारे बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। पूरा परिवार जो है इसको बेघर कर दिया भाई, ये दुखद तस्वीर है, और न्याय की गुहार जो है वो परिवार लान लग रहा है। तो फाइनेंस कंपनी ने अगर बहुत इसमें कितने गड़बड़ कर रखी है तो कंपनी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है उनने इस पूरे मामले को खंगाल कर मामले का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। अगर फाइनेंस कंपनी ने वाक्य में गड़बड़ कर रखी है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे भाई, वीडियो ने शेयर ज्यादा कर दो ताकि कल ने कोई और फाइनेंस कंपनी इस डाल से राजेंद्र भाई की तरह किसी परिवार को बेघर ना कर सके, किस तरह से इन बच्चे की पढ़ाई खराब होगी और पूरा का पूरा परिवार जो है एकदम से गली में आ गया भाई। तो ये दुखद तस्वीर है, कर दो भाई शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो।